कराची में बारिश रहमत के बजाय जहमत बन गई, जलथल एक हो गया। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मुख्तलिफ हादसात में एक दर्जन से ज़ायद अफराद जान बहक हो गए। गुज़िश्ता रोज़ कराची में एक रोज़ की बारिश ने शहर का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। पहली बारिश के साथ ही बिजली कराची वासियों से रूठ गई। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में राजस्थान से आने वाला बारिश का सिस्टम कमजोर हो गया है। बारिश के सिस्टम का कुछ हिस्सा समंदर की तरफ चला गया है, जबकि कुछ शहर की जानिब बढ़ रहा है, जिसके बायस आइंदा 24 घंटों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 123.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि सदर में 104, फैसल बेस पर 77, नॉर्थ कराची 68, नाजिमाबाद 41, लांडी 46, ओल्डियापोर्ट 57.7, यूनिवर्सिटी रोड 61 और जिना टर्मिनल पर 64 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कराची में बिजली बंदिश और करंट लगने से अम्बाद का नोटिस ले लिया है। नेप्रा ने के इलेक्ट्रिक से रिपोर्ट तलब करते हुए बिजली की फौरी बहाली के लिए मौसर इकदाम की हिदायत की है। शहर में गुज़िश्ता रोज से मुसलसल बारिश के बायस तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हैं, जबकि मुख्तलिफ जामियात में होने वाले इम्तिहानात भी मनसूख कर दिए गए हैं। सारे महकमे सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे में ना काम करती है ना करने दे रही है। मैंने आज इमरजेंसी तो एक हफ्ते पहले मैंने कॉल की थी अपने अस्पतालों में भी और अपने डिपार्टमेंट्स में भी। आज मैं फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं। मैंने लेटर लिखा है मिनिस्टर पोर्ट्स एंड शिपिंग को, मैरीटाइम अफेयर्स को, के एमसी की कराची की मदद करें फेडरल गवर्नमेंट।